सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक टेक्निकल की एक और जबरदस्त वीडियो में। मैं तन्मय आज करने वाला हूँ ओप्पो R15 का अनबॉक्सिंग और देने वाला हूँ इस फोन का ही गिववे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि मैं एंड में ही बोलने वाला हूँ इस गिववे के बारे में। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी ओप्पो की पैकिंग बहुत ही नॉर्मल और सिंपल है, जो हर बार देखने को मिलता है। साफ सुथरा सिर्फ ओप्पो लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर करते हैं इसको ओपन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखने के में बहुत ही अच्छा है, बहुत स्लिम नहीं है बट लुक बहुत ही अच्छा है, यूनिक है। जो वेट भी उतना नहीं है, हल्का है बहुत ही। तो आप फ़ोन को साइड पर रख के चलते हैं बॉक्स के बाकी एक्सेसरीज की तरफ। तो यहाँ पर देखने को मिलता है एयरपॉड्स, जो शायद ओप्पो ने कॉपी किया है एप्पल की एयरपॉड्स की। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बताइए नीचे कमेंट्स में। एयरपॉड्स के अलावा यहाँ हमें देखने को मिलता है चार्जर, जो एक फास्ट चार्जर है, USB टाइप सी सपोर्टेबल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको साइड पर रखने के साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फोन का यूजर मैनुअल एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर के साथ। शायद इसका डाटा केबिल एयरपॉड्स बॉक्स में है। हाँ, ये रहा इसका डाटा केबिल। तो दोस्तों, ये है ओप्पो R15 की बॉक्स का सारी चीजें। तो अब बात करते हैं फोन के बारे में। दोस्तों, फोन बहुत ही ग्लॉसी है, बैक साइड बहुत ही शाइनी है, डिजाइन काफी अच्छा है बट एप्पल की कॉपी फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ मिलता है आपको 6.28 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ लगा हुआ है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 19.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। सामने की तरफ एप्पल का कॉपी है बट ऊपर का जो नॉच है वो थोड़ा छोटा है एप्पल के नॉच से, तो वहाँ पर थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। दोस्तों, इस फोन का टच सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये फोन। अगर बात करें इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो फिंगरप्रिंट एक्शन बहुत क्विक होता है, बहुत ही फास्ट काम करता है इस फोन का। तो यहाँ पर आपको जेस्टर कंट्रोल भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो ये ऑप्शन आप सेटिंग्स में जाकर ऑफ भी कर सकते हैं। ओप्पो R15 में 6GB रैम के साथ आपको मिल जाता है 8.1 कलर OS एंड्रॉयड वर्जन ओरियो के साथ। स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल आपको मिल जाता है 128GB और एक्सटर्नल सपोर्टेबल है 256GB तक। दोस्तों, इस फोन में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत कमाल बनाता है इसका स्नैपड्रैगन 6 प्रोसेसर और AMD मेली G72 MP3 GPU सिस्टम, जो बहुत ही जबरदस्त है। इस फोन का बेंचमार्क टेस्ट करने के साथ ही हमें पता चला कि बेंचमार्क पॉइंट उतना अच्छा नहीं है। जो पॉइंट है वो मिलता है इसको 1,38,553 पॉइंट, जो इस फोन के लिए बहुत बुरा है। दोस्तों, इस फोन का कैमरा के जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है इसका कैमरा। रियर कैमरा आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का। और बाकी आप तो जानते हैं इस ओप्पो के फ्रंट कैमरे के बारे में, जो एक काला को बना देता है गोरा और गोरा को बना देता है बहुत सफ़ेद। बाकी इसका कैमरा अच्छा है, बहुत ही अच्छा कैप्चर होता है जो बैक कैमरा है इसका, और एग्जैक्ट रियल कलर भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं गिव अवे की। इंडिया में ये फोन लॉन्च होने वाला है 23 मई 2018 को, तो उसी दिन एक विनर को मिल जाएगा ब्रांड न्यू ओप्पो R15। रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगा मई 14 को अपने ट्विटर अकाउंट में, मतलब आज से ठीक एक महीने बाद। तो फॉलो भी कर ले मेरे ट्विटर अकाउंट को, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करना होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर, और नीचे बताना होगा कमेंट्स में कि ये फ़ोन अगर आपको मिलता है तो किस तरह आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे। इसमें से मैं एक कमेंट को चूज़ करूँगा और उसको मिल जाएगा ब्रांड न्यू ओप्पो R15।
रिक्वेस्ट है कि एक ही बार कमेंट करें और फेक कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें से नुकसान आप ही का होगा। अगर आप एक या दो अकाउंट से करते हैं कमेंट तो आपको निकाल दिया जाएगा इस पार्टिसिपेशन से, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपका कमेंट नहीं लिया जाएगा और पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।